पिथौरागढ़ में बुनियादी साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का गतिविधि आधारित प्रशिक्षण चौथे दिन भी जारी रहा। बीआरसी सतगढ़ कनाली छीना में प्रतिभागियों के द्वारा भाषा कालांश का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। अनुश्रवण खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई व प्रशिक्षण प्रभारी नारायण दत्त पंत कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से अमित दुबे व प्रियंका जोशी द्वारा अपना योगदान दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर मनोज चौधरी, अमिता कपूर, कौशल पंत, पुष्कर दिगारी हैं। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ चिकित्सकों के अपने केबिन में न बैठने से पूरा दबाव इमरजेंसी रूम में आ गया। सामान्य मरीज भी इमरजेंसी कक्ष में ही उपचार लेते दिखे। दूर दराज से पहुंचे मरीजों ने बताया कि वे कई घंटे से डॉक्टर के केबिन के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नदारद है। मजबूरी में उन्हें इमरजेंसी में आना पड़ा है। उपचार लेकर उन्हें अपने गांव भी वापस लौटना है। इमरजेंसी में आलम यह था कि सभी बेड फुल नजर आए। एक बेड में दो दो मरीजों को लेटाना पड़ा। कई मरीज जगह ना मिल पाने के कारण बेंचों पर ही बैठे दिखे। अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। सारे बेड फुल होने के बाद अब बरामदों में बेड लगाए गए हैं। नगर के लोगों ने इमरजेंसी में दो डॉक्टरों को तैनात करने, डॉक्टरों को समय से केबिन में बैठने सहित जिला चिकित्सालय की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। शादी हो या कोई समारोह, बर्थडे हो या उपनयन संस्कार, पार्टी या रिसेप्शन, हम करते हैं हर संभव सुविधा उपलब्ध। पार्किंग से लेके लग्जरी रूम्स तक हमारा खास मेन्यू आपके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपके विशेष दिन को बनाए और भी यादगार। मंगल मूर्ति बैंक्वेट हॉल, नियर हनुमान मंदिर, पिथौरागढ़, अपने सभी विशेष आयोजनों को हम बनाते हैं अत्यधिक शानदार व ऐतिहासिक। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। भारत के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और एसके दत्ता को इंजीनियर डे पर नमन किया गया। संघ भवन में डिप्लोमा इंजीनियर संगठन के बैनर तले जिले के अभियंताओं ने दोनों महान इंजीनियरों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर दोनों महान अभियंताओं द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। अभियंताओं ने कहा कि भारी दबाव के बीच काम कर रहे अभियंताओं को सही और गलत को गलत कहने का साहस पैदा करना होगा। कार्यक्रम का संचालन जनपद सचिव प्रदीप नेगी, पीडब्ल्यूडी संघ के जनपद अध्यक्ष संजय वर्मा, इंजीनियर वीके सक्सेना, इंजीनियर सुरेश जोशी, अमरनाथ जुकरिया, जीएस गढ़िया, जिला पंचायत के प्रभारी अभियंता अनिल जोशी, उमेश अवस्थी, आरपी सती, एलपी जोशी, ललित मोहन जोशी, गोपाल गिरी गोस्वामी, खुशबू जोशी, तनुजा तिवारी, नीरज गिरी आदि मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचे 12 अभियंताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महेश पंत, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सहित कई अभियंता मौजूद रहे। जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिथौरागढ़ में पत्र सौंप सड़क किनारे से ढाबे फड़ नहीं हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कई लोग कोरोना काल के बाद से इन्हीं ढाबों से अपना परिवार चला रहे हैं। उन्होंने पलायन रोकने और लोगों के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा हाई कोर्ट में मजबूत पैरोकारी किए जाने की मांग की है। मानसून काल में हम रखते हैं आपकी आँखों का ख्याल। आ गया है मानसून ऑफर, जहां आपको मिलेगा फ्रेम के साथ प्रिज्म व अन्य ब्रांडेड लेंस बिल्कुल फ्री। ऑफर सिर्फ 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। फ्रेम 300 रुपये से शुरू और भी कई ऑफर उपलब्ध। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं, जल्द संपर्क करें रेबन ऑप्टिकल्स, पार्वती मार्केट, सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI सिमलगेर पिथौरागढ़। जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में जल संस्थान, जल निगम और UPCL के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। उन्होंने फेज 1 एवं फेज 2 के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मार्च 2024 से पहले मिशन के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूरे हो गए हैं उनका थर्ड पार्टी सर्वे कराया जाए। DM ने निर्देश दिए कि अक्टूबर के बाद वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की जाए। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं।
अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।